दोस्तों, जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वह हार जाता है, जो ठान लेता है वह जीत जाता है। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल इंडिस्यूज में। आज दिनांक है 24 नवंबर 2019, दिन है रविवार। आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डे नाइट टेस्ट में पहला शतक लगाया? तो उत्तर है दोस्तों सी, विराट कोहली। बतौर कप्तान उनका यह 41वां शतक था और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग की बराबरी की। विराट ने तीनों फॉर्मेट में कुल 70 शतक लगाए। बतौर कप्तान विराट 5000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा रुपए खर्च करेंगे? तो उत्तर है दोस्तों बी, माइकल ब्लूमबर्ग। यह एक हफ्ते में 222 करोड़ रुपए टीवी विज्ञापन में खर्च करेंगे। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास था, जिन्होंने 179 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वर्तमान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर के बाद किसकी सरकार बनी? तो उत्तर है दोस्तों ए, देवेंद्र फडणवीस। यह बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन के बाद इनकी सरकार बनी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 सम्मेलन में विदेश मंत्रियों के साथ भारत की ओर से कौन सम्मिलित हुआ? तो उत्तर है दोस्तों डी, एस जयशंकर, जो कि वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। यह सम्मेलन जापान के नगोवा में हुआ था। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन है और जापान के राजा नरहितो हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अभिनेत्री का निधन हुआ है? तो उत्तर है दोस्तों बी, सौकात कैफी, जिनका जन्म 1928 में हुआ था। और इनकी कुछ मशहूर फिल्में साथियां, बाजार, जान, हकीकत, यह इनकी मशहूर फिल्में हैं।